रेलवे विभाग को निरंतर उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, और उसके साथ साथ रेलवे विभाग में जो नौकरियां हैं, जो नौजवान उसके अंदर नौकरियों में आते थे, उनके साथ विश्वासघात होता चला जा रहा है। मैं अंत में अपनी बात यही कहूंगा कि इस देश के नौजवान को चेतने की जरूरत है। मैं खत्म कर रहा हूं। इस देश के नौजवान को चेतने की जरूरत है। यदि वो अपना एक उज्जवल भविष्य चाहता है तो इन पीएसयू को बिकने से रोकने की जरूरत है। रेलवे विभाग को भी ये जो तमाम लोग बेचने का काम कर रहे हैं उसको रोकने की जरूरत है। आपने मेरे यहां डून एक्सप्रेस का ठहराव करवाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि रुक गई थी कोरोना काल में। आपने गंगा सतलुज एक्सप्रेस फिरोजपुर और धनबाद का भी ठहराव करवाया, इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैंने आपको करीब 7 रेलवे गाड़ियों का मैंने आपसे मेरे यहां मेरे क्षेत्र में रोकने का एक प्रस्ताव दिया था, उनमें से मात्र ये 2 हुई है। मेरा आपके माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि टाटानगर जलियावाला बाग एक्सप्रेस, श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस, छपरा दिल्ली एक्सप्रेस, वाराणसी गोंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस, यहाँ मेरे यहाँ जो तमाम कैंसर से पीड़ित पेशेंट है वो इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं वाराणसी तक पहुँचने के लिए, इसका ठहराव, और अजमेर किशनगढ़ गरीब निवास एक्सप्रेस। सर, हमारे यहाँ एक जो ये क्या कहते हैं सूफी सर्किट है, उसमें हमारे यहाँ भी एक सूफी सर्किट के हिसाब से हमारे यहाँ भी एक बहुत ही प्रचलित मज़ार है, जिसपे अगर आप इस ट्रेन को रोकेंगे तो उससे आपको एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मिलने का काम होगा। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा, हमारे यहाँ अंबेडकर नगर से होते हुए एक लाइन को डबल किया जा रहा है, जो कि कई सालों से ये काम चल रहा है, इसमें तीव्रता आनी चाहिए, और इसकी वजह से कई कई जगहों पे जो अंडरपासेस बनने थे, जो हमारे यहाँ एक बड़ी रोड जाती है खास तौर से कटहरी निनावपुर से उथरेतु होते हुए टांडा जाती है, इसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया था। हालांकि वहां के डीआरएम ने इसमें जो है थोड़ी सी सहायता की है, लेकिन अभी भी सुचारू रूप से वहां पे यातायात बाधित है। इसमें अगर सुधार लाया जाएगा तो वहां हजारों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं डिमांड फॉर ग्रांट्स पे आना चाहता हूं। सॉरी, एक फाइनल मेरा रिक्वेस्ट माननीय मंत्री जी से है। सर, अंबेडकर नगर मुख्यालय पे अकबरपुर में एक फ्लाईओवर मेन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से जाता है, दोनों तरफ मैंने आपको चिट्ठी भी दी हुई है, और इससे पहले मैं 2019 से इसकी मांग करता रहा हूं। दोनों तरफ आप सिर्फ एक स्पायरिंग रेलवे वो स्टेयरकेस लगा करके और ऊपर जो रेलवे का पार्ट होता है ब्रिज का, उसको तोड़ करके आप दोनों तरफ फुट ओवर एक्सेस बना सकते हैं, फुट ब्रिज एक्सेस बना सकते हैं, इसका जरूर निस्तारण करिए। ये मेरे क्षेत्र के लिए बहुत ही, वहां जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए अत्यंत जरूरी है। सर, आई विल टेक नाउ मैक्सिमम 5 मिनट्स टू कंक्लूड, और टू मिनट्स टू कंक्लूड दिस थिंग। सर, रेलवे का जो गिरता राजस्व है वो हमारे सामने ये दिखा रहा है कि रेलवे की स्थिति बहुत ही बदतर हो चली गई है। आप इस समय, आपको जो भी बजटरी सपोर्ट मिल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से मिलने का काम होता है। इससे पहले रेलवे के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अपने रेवेन्यूज को जनरेट करके अपने खर्चों को मेंटेन करता था। हालांकि अभी ये जो केंद्र से आपको जो रेवेन्यू का सपोर्ट, बजट का सपोर्ट मिलता है, ये निरंतर आपको कई सालों से मिलता चला आ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ आपकी जो बोरोइंग्स है वो बढ़ती चली जा रही है, जो कि रेलवे के लिए एक संकट का की घंटी बजाने का काम करती है। ये बड़ी दिक्कत की बात है, और इसको आप अपने प्रोजेक्शन में एडजस्ट करने के लिए आप अपने इंटरनल रेशियो को भी एडजस्ट करने का काम करते हैं, जो आपका ऑपरेटिंग रेशियो को एडजस्ट करने का काम करते हैं। मैं अपने क्षेत्र अंबेडकर नगर के लोगों की सुविधा के लिए ऑपरेटिंग रेशियो को समझाने का प्रयास करूंगा। ऑपरेटिंग रेशियो वो होता है, आई एम गोइंग टू टेक 2 मिनट्स बिफोर यू हिंडर मी। ऑपरेटिंग रेशियो वो होता है जिसके अंदर आप 100 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। 2017-18 में रेलवे, 2012-13 में रेलवे 90 रुपया खर्च करता था, जब माननीय अधिष्ठाता महोदय आप लोगों की सरकार हुआ करती थी, तो रेलवे मात्र 90 रुपया खर्च करता था 100 रुपया कमाने के लिए। और आज 2019-20 में आप क्या देख रहे हैं, 2019-20 तक भी 98 रुपया खर्च करता था 100 रुपया कमाने के लिए। यह गिरता चला आ रहा है, और आप 2000
और सीएजी ने ये निरंतर हाईलाइट किया है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस खर्चे को, इस ऑपरेटिंग रेशियो को और अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के लिए रेलवे जो है निरंतर एडवांस पेमेंट्स लेने का काम करता है एनटीपीसी और कॉनकॉर्ड जैसी पीएसयू से। ये आपने 2018 में भी किया जब आपका ऑपरेटिंग रेशियो 101 रुपया था, यानी कि 100 रुपया कमाने के लिए आप 101 रुपया खर्च कर रहे थे और उसको आप कम करने के लिए आपने एडवांस पेमेंट्स लिए और एडवांस पेमेंट्स लेने के बाद आपका ऑपरेटिंग रेशियो कम हुआ 97 रुपए पे आया। ये खामियां मैं यहां पे सदन के माध्यम से यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं। दूसरा, आप ये कहते हैं कि सर जस्ट वन मोर मिनट, टू मोर मिनट्स यू गिव मी, आई एम कंक्लूडिंग। आप ये कहते हैं कि आप जो है हमें रेलवे बजट ये बताता है और बजट की गणित हमें ये बताती है रेलवे डिपार्टमेंट की कि आपके जो राजस्व प्राप्तियां होंगी वो 2.2% आपके खर्चे से ज्यादा होंगी। ये मान्यवर अभी तक पिछले 7 साल में ये नहीं हुआ है और अगर राजस्व प्राप्तियां जो है ये तो और बढ़ी हुई है तो उसका कारण भी था। आपने जो ये प्रोजेक्शंस किए हैं उसके दो कारण है सर। आपने कहा कि आपका जो मालगाड़ी आता है उसमें आपको जो है बढ़ोतरी होगी 13.6% की और आपने ये भी कहा कि पैसेंजर यानी कि यातायात से आपको 31.8% की जो है वृद्धि होगी आपकी अर्निंग पे। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ पिछले साल को छोड़ करके जो आपका बेस ईयर कोविड ईयर था उसकी वजह से पिछले साल आपकी अर्निंग 191% जो है जंप हुई। ये अब होने वाला नहीं है सर, क्योंकि बस आई एम कंक्लूडिंग ये अब होने वाला नहीं है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि आखिरी बार रेलवे लास्ट पॉइंट सर, आफ्टर दिस आई कंक्लूड, लास्ट पॉइंट एंड आई कंक्लूड आफ्टर। इसके बाद आपने जो है 2017-18 में जो है आपने कभी डबल डिजिट छुए थे, उसके बाद से आज तक आप लोगों ने नहीं छुआ है। इसलिए आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो ये प्रोजेक्शंस करते हैं सर, ये फिर से एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। रेलवे विभाग को निरंतर उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है और उसके साथ साथ रेलवे विभाग में जो नौकरियां हैं, जो नौजवान उसके अंदर नौकरियों में आते थे उनके साथ विश्वासघात होता चला जा रहा है। मैं अंत में अपनी बात यही कहूंगा कि इस देश के नौजवान को चेतने की जरूरत है। मैं खत्म कर रहा हूं, इस देश के नौजवान को चेतने की जरूरत है। यदि वो अपना एक उज्जवल भविष्य चाहता है तो इन पीएसयू को बिकने से रोकने की जरूरत है। रेलवे विभाग को भी ये जो तमाम लोग बेचने का काम कर रहे हैं उसको रोकने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि जो 5,000 रुपया रेलवे जो कॉन्ट्रीब्यूट करता था राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष के लिए, ट्रैक्स रिपेयर के लिए, इसको आप 1/4 तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये हमारे विभाग के, रेलवे विभाग की जो एक दुर्गति हो गई है उसको सामने लाने का काम करता है। आपने मुझे यहां बोलने के लिए अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है।